हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो मेरा डबल लांच सीरीज का फिफ्थ लेसन है, जहां पर मैं आपको और तीन स्टेप सिखाऊंगा, जो आपको लेसन वन से लेकर फोर तक जो जितना लेसन है वो सब कुछ सीख कर ये सीखना है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या इस लेसन में आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप आपको इस लेसन में करना है वो है कि आपको सामने की तरफ स्ट्राइक प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले अंडरआर्म कैच करना है, देन यहाँ से हमको सामने की तरफ स्ट्राइक करके इस तरह से कैच करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंगल हैंड में ये आना चाहिए, तब जाके आप डबल हैंड में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो कैसे हो रहा है, इस तरह से। अगर आप थोड़ा स्पीड से करते हो इसको, इस तरह से, ठीक है। तो इसको आपको दोनों हाथों से करना है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, सामने से इस तरह से, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे पहले प्रैक्टिस करना है। कैसे हो रहा है, सामने से इस तरह से जाके आप पहले इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो कि सामने रोटेट करके कैच करना, ठीक है। देन तब जाके आप थोड़ा बहुत सीधा फेंकना है आपको, सीधा देन कैच करना है, ठीक है। इस तरह से आपको दोनों हाथों से प्रैक्टिस करना है। सो इस तरह से, ठीक है। आप चाहो तो बीच बीच में इस तरह से रिसेट कर सकते हो, देन ये, ठीक है, हिट और कैच, ठीक है, हिट और कैच। अगर साइड से इस तरह से हिट और कैच, ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये स्टेप आपका पहला स्टेप है जो आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। अब आपका दूसरा स्टेप है जो आपको कैसे करना है, देख लीजिए। पहले यहाँ पर भी पहले हमको पहले अंडरआर्म से लेना है, यहाँ से पहले आपको डायरेक्टली ऊपर लेना है, तो इस तरह। देन यहाँ से आपको फिगर एट स्टार्ट करना है, और फिगर एट में हमको सामने की तरफ हिट करना है। कैसे, इन आउट और हिट, ठीक है। तो कैसे हुआ, ऊपर था, देन इन करके जब हम आउट जाएंगे उसी दौरान, मतलब इन आउट करके ही सामने हिट, देन बैक और कैच, इस तरह से हमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो कैसे, फिर से इन आउट हिट बैक कैच, ओके। अगर आप साइड से देखेंगे तो पहले ऊपर आएगा, देन इन आउट हिट बैक कैच, इस तरह। अगर दोनों हाथों से आप करते हो तो ऊपर पहले, देन इन आउट हिट बैक कैच। आप आउट की तरफ और एक स्पिन कर सकते हो चाहो तो, इस तरह से इन आउट स्पिन हिट कैच, मतलब हिट देन बैक। लेकिन ये करना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, तो इसीलिए आप पहले डायरेक्टली ऊपर, देन इन आउट हिट बैक कैच, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो कैसे, फिर से सामने से देखिए, ऊपर इन आउट हिट बैक कैच। तो इन आउट हिट के टाइम पर आपको आपके आर्म्स को फुल्ली एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो कैसे, ऊपर इन आउट हिट बैक कैच, ओके। तो ये रहा आपका दूसरा स्टेप जो आपको प्रैक्टिस करना है। तो किस तरह से, अगर आप थोड़ा रनिंग करेंगे इसको तो कैसे लगेगा दिखने में, ऊपर इन आउट हिट बैक कैच, ऊपर इन आउट हिट बैक कैच, ठीक है, ऊपर इन आउट हिट बैक कैच, ऊपर इन आउट हिट बैक कैच। तो ये रहा आपका दूसरा स्टेप जो आपको प्रैक्टिस करना है। अब जो आपको तीसरा स्टेप करना है वो मैंने ऑलरेडी, मतलब एक चीज छोड़कर ऑलरेडी पूरा फोर्थ लेसन में एक स्टेप को मैंने सिखा दिया है। कैसे, ऐसे था और यहाँ से रिवर्स क्रिएट करते हुए ऊपर स्पिन हिट बैक कैच, ये मैंने ऑलरेडी लेसन फोर में मैंने सिखा दिया है आपको, ठीक है। तो इस चीज़ के साथ हमको सिर्फ सामने की तरफ, मतलब पहले एक फॉन्ट स्ट्राइक ऐड करना है। फॉन्ट स्ट्राइक मतलब जो अंडर आर्म से जो स्ट्राइक होता है, ये वाला। तो कैसे होगा, टोटल एक बार एक हाथ से देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हिट बैक, रिवर्स फिगर हिट ऊपर, स्पिन हिट बैक कैच, क्लियर। सो हिट रिवर्स फिगर हिट ऊपर, स्पिन हिट बैक कैच। सो फिर से एक बार लास्ट बार बताता हूँ, हिट बैक देन आउट इन ऊपर, स्पिन हिट बैक और कैच। इसी चीज को आपको दोनों हाथों से करना है। तो कैसे, स्पिन हिट रिवर्स फिगर हिट ऊपर, स्पिन हिट बैक कैच, ठीक है। सिमिलर सा है पहले स्टेप के मुकाबले भी, लेकिन ये थोड़ा अलग है। वहाँ पे फिगर हिट हो रहा था, यहाँ पे रिवर्स हिट हो रहा है। तो फिर से स्पिन रिवर्स फिगर हिट अप, स्पिन हिट बैक कैच, फिर से हिट रिवर्स फिगर हिट अप, स्पिन हिट बैक कैच, फिर से स्पिन हिट बैक। ये अगर साइड से देखे होंगे, एक बार स्लो दिखाता हूँ देन फास्ट, ठीक है। तो पहले हिट रिवर्स फिगर हिट अप, स्पिन हिट बैक कैच, हिट रिवर्स फिगर हिट अप,
स्पिन हिट बैक कुछ इस तरह से। तो फिर से अगर हम थोड़ा इसको स्पीड से करते हैं या फिर स्लो में करते हैं तो कैसे कर रहे हैं, और आपको एकदम स्लो स्पीड से एकदम हाई स्पीड में नहीं जाना है, आपको पहले स्लो करना है देन उसको स्मूथ करना है। स्पीड स्लो ही रहेगा लेकिन स्मूथ करना है, मतलब आपको किसी भी स्टेप में आपको रुक नहीं जाना है, मतलब स्टॉप नहीं होना है। तो इसकी वजह से आपका जो टोटल स्टेप है वो स्मूथ होने रहेगा। देन स्मूथ करने के बाद उसमें धीरे 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 स्पीड आप इंक्रीज कीजिएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार ये बैक ओके, फिर से स्पीड स्मूथ लेकिन स्लो स्पीड में, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। जो आपका तीसरा स्टेप है, अगर सामने से दो बार देखेंगे तो हिट रिवर्स सिगरेट अप हिट बैक कैश, ठीक है। फिर से हिट रिवर्स सिगरेट अप हिट बैक कैश। तो ये रहा आपका तीसरा स्टेप जो आपको प्रैक्टिस करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही वीडियो था, अगर आप इस वीडियो से सीख पाए हो दिन वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। और आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा मेरे अगले वीडियो के लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।